राजनीति भी अजीबोगरीब है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं के अंदर मानवता नाम की चीज ही नहीं है। भारतीय राजनीति में ऐसे ही एक नेता हैं माननीय श्री राहुल गांधी। उन्होंने दिखा दिया कि क्यों लोग उन्हें राजनीति के लिए अनसूटेबल मानते हैं। तो रफाल को लेकर मनोहर पारिकर पर हमला करने के बाद हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनसे गोवा मिलने पहुंचे और उनका हालचाल लिया। जनता सोच रही थी कि ये शिष्टाचार भेंट होगी, लेकिन राहुल गांधी का इस मुलाकात के पीछे कुछ और ही मंशा थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि पारिकर ने उन्हें बताया कि डील बदलते समय पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री से नहीं पूछा था। एक्स डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर पारिकर क्लियरली स्टेटेड दैट ही हैज नथिंग टू डू विद द न्यू डील दैट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी टू बेनिफिट अनिल अंबानी। राहुल गांधी की इस गंदी राजनीति पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आलोचना की और कहा कि प्रिय राहुल गांधी, आप कितने असंवेदनशील हैं, ये आपने बीमारी से लड़ रहे एक व्यक्ति के नाम पर झूठ बोलकर दिखा दिया है। हालांकि अब उनकी इस गंदी और झूठ की राजनीति का खुद गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रेस रिलीज जारी कर स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के साथ 5 मिनट की मुलाकात में रफाल से जुड़ी कोई बात ही नहीं हुई थी। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वो सब उनकी एक बनावटी कहानी थी जिससे वो मोदी सरकार पर हमला कर सके। बता दें कि मंगलवार को पारिकर से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा था कि मैं कल पारिकर जी से मिला था, उन्होंने खुद कहा कि डील बदलते समय पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री से नहीं पूछा था। राहुल गांधी ने अपने इस दावे में आगे कहा कि रफाल पर हमने 3-4 सवाल पूछे, बड़े सवाल नहीं थे, लेकिन चौकीदार कभी यूं देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी यहाँ देखें, पर आंख से आंख नहीं मिला पाए। पारिकर ने कांग्रेस अध्यक्ष की इस निम्न स्तर की राजनीति को सामने रखते हुए कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी ने देश के सामने झूठ बोला है। वैसे भी ये राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है जहां उन्होंने अपने निम्न स्तर की राजनीति दिखाई है। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में दावा किया था कि उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे की आवाज है। कांग्रेस ने कहा था कि गोवा ऑडियो टेप प्रामाणिक है कि रफाल में घोटाला हुआ है और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के पास इस मुद्दे से जुड़े धमाका करने वाले राज हैं। बाद में राहुल गांधी का ये दावा झूठा साबित हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन में रफाल सौदे मामले में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से जुड़ी टेप को संसद में चलाने की परमिशन मांगी थी। इसके बाद सुमित्रा महाजन ने उन्हें तभी ये टेप चलाने के लिए कहा था जब वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन तुरंत ही राहुल गांधी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और ऑडियो टेप नहीं चलाया था। मैंने जैसे कहा था, मैं जो टेप रिकॉर्डिंग मेरे पास है उसे प्ले नहीं करूंगा, कर ही नहीं सकता। तो आपने जो बोला है, आपने जो बोला है वो मैं, यह बहुत ही शर्मनाक है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस तरह की गंदी राजनीति में लिप्त हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। यही नहीं, एक व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है उसके प्रति इस तरह का असंवेदनशील रवैया भी अपना रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्दी वापस आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।